हम सभी ने यह पुरानी कहावत तो सुनी है कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, मनी कांट बाय हैप्पीनेस। क्या यह सच है? सच तो यह है कि अच्छी मात्रा में पैसे होने से वास्तव में आपको खुशी की अनुभूति हो सकती है। इस सच के पीछे का कारण यह है कि कम पैसे होने से कई नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हर एक चीज में पैसा खर्च होता है, इसलिए हम में से बहुत से लोग ऐसे देश में रहना चाहते हैं जो अमीर हो और इनकम के ज्यादा सोर्सेज। अगर हम अमीर देशों की बात करें तो हमें कई मापदंडों को ध्यान में रखना होगा। आपको ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ एक बड़ी अर्थव्यवस्था होने से कोई देश अमीर नहीं हो जाता। उदाहरण के लिए भारत, भारत की अर्थव्यवस्था 3 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ है, हालांकि देश अभी भी गरीब लोगों से भरा हुआ है। इसका कारण भारत की बढ़ती पॉपुलेशन है। किसी भी देश की समृद्धि को मापने का सबसे अच्छा और सबसे मान्यता प्राप्त तरीका उसकी पर पर्सन जीडीपी को देखकर करना चाहिए। यह आंकड़ा हमें इस बात का अंदाजा देता है कि किसी देश की गवर्नमेंट को नागरिक पर कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। इस वीडियो में हम प्रति व्यक्ति जीडीपी के आधार पर 2021 में दुनिया के टॉप सबसे अमीर देश पर चर्चा करेंगे। तो आइए, प्रति व्यक्ति जीडीपी के हिसाब से दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर देशों पर एक नजर डालते हैं। इस लिस्ट में आपको कई छोटे देश मिल जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि छोटे देशों में छोटी आबादी होती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को देशों के सकल घरेलू उत्पाद का उचित हिस्सा मिलता है, इसलिए इन देशों में जीवन स्तर हमेशा उच्च स्तर होता है। तो चलिए जानते हैं टॉप 10 रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो हमारे लिस्ट में सबसे पहला नाम है टॉप 1 लक्समबर्ग, जिसकी 1,31,782 जीडीपी पर कैपिटा है। लक्समबर्ग यूरोप के केंद्र में स्थित एक छोटा सा देश है। यह देश अपने महलों और सुंदर परिदृश्य के लिए प्रसिद्ध है। लक्समबर्ग की जनसंख्या लगभग 6,25,000 है। यह निवेश के लिए सबसे आकर्षण स्थलों में से एक है। हाल ही में स्काइप और अमेज़न जैसी कंपनियों ने अपने क्षेत्रीय मुख्यालय को लक्समबर्ग में स्थानांतरित कर दिया। इसके अलावा लक्समबर्ग देश में एक बहुत ही स्थापित इस्पात उत्पादन उद्योग है। लक्समबर्ग उन देशों में से एक है जिसने कोविड-19 महामारी को बहुत प्रभावी ढंग से संभाला है, और महामारी के बाद भी देश की अर्थव्यवस्था अभी भी फल फूल रही है। हमारे नेक्स्ट लिस्ट में है स्विट्जरलैंड, जिसकी 94,696 जीडीपी पर कैपिटल है। स्विट्जरलैंड एक और यूरोपीय देश है जो आश्चर्यजनक सबसे समृद्ध है। यह उन देशों में से एक है जो अपने इन्वेंशन के लिए जाने जाते हैं। स्विस के इन्वेंशन की लिस्ट बहुत लंबी है। स्विट्जरलैंड ने व्हाइट चॉकलेट, बॉब्सले, स्विस आर्मी नाइफ जैसी चीजों की इन्वेंशन करी है। स्विट्जरलैंड के पास एक स्मॉल पॉपुलेटेड कंट्री होने के साथ साथ एक वेल स्टैब्लिश इंडस्ट्रीज भी है। ये जेम्स, प्रीशियस मेटल्स, प्रिसाइजन इंस्ट्रूमेंट्स, कंप्यूटर्स, वॉचेस, मेडिकल अप्रेटिसेस जैसे सामानों का एक्सपोर्ट भी करती है। स्विट्जरलैंड इज अ लैंड ऑफ रिचेस, एज इट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ मिलियनेयर्स इन द वर्ल्ड। तीसरे नंबर पे है आयरलैंड, जिसके 94,556 जीडीपी पर कैपिटल है। आयरलैंड की अर्थव्यवस्था यूरोप में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हम सभी को इस तथ्य की सराहना करनी चाहिए कि आयरलैंड ने पिछले एक दशक में प्रति व्यक्ति अपनी जीडीपी को लगभग 2 गुना कर दिया है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 2008 के वित्तीय संकट के दौरान भी आयरलैंड सबसे बुरी तरह प्रभावी अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। बट बाय प्रॉपर मैनेजमेंट एंड रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स, द कंट्री बाउंस बैक अमेजिंगली। चौथे स्थान पे है नॉर्वे, जिसकी 81,995 जीडीपी पर कैपिटल है। नॉर्वे भी यूरोप के सबसे अमीर देशों में से एक है। इसकी अर्थव्यवस्था तेल से चलती है। यह पश्चिमी यूरोप का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। पिछले कुछ वर्षों में नॉर्वे की अर्थव्यवस्था थोड़ी सिकुड़ी हुई है, फिर भी यह 2021 में दुनिया के सबसे अमीर देशों की सूची में है। पांचवें स्थान पे है यूनाइटेड स्टेट, जिसके 68,309 जीडीपी पर कैपिटा है। यह जरूरी नहीं है कि दुनिया में केवल छोटे देश ही सबसे अमीर हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका भी दुनिया भर की अति समृद्ध देशों में से एक है। संयुक्त राज्य अमेरिका एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट सहित दुनिया भर की कई तकनीकी दिग्गजों का घर है। यह दुनिया भर के अरबपतियों के लिए भारी निवेश आकर्षित करता है। इसके अलावा अमेरिका के पास प्राकृतिक संसाधन भी
काफी है। हमारी छठी लिस्ट में है डेनमार्क, जिसके 67,218 जीडीपी पर कैपिटल है। डेनमार्क एक आधुनिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा सेवा आधारित अर्थव्यवस्था का आनंद लेता है। डेनमार्क की प्रति व्यक्ति जीडीपी 67,218, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, अमेरिकी डॉलर के आसपास है। ये उन दुर्लभ अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जो कोविड-19 महामारी से सबसे कम प्रभावित है। इस राष्ट्र की जनसंख्या लगभग 6 मिलियन है। डेनमार्क के लोगों की आय का मुख्य स्रोत विनिर्माण गतिविधियां, पर्यटन और पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात है। डेनमार्क में रोजगार दर बहुत अधिक है, इसलिए हम इस देश को दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की रैंकिंग में लगातार शीर्ष पर देखते हैं। 7वें नंबर पे है आइसलैंड, जिसकी 65,273 जीडीपी पर कैपिटा है। आइसलैंड एक नॉर्डिक द्वीप राष्ट्र है जो ज्वालामुखी, गीजर, गर्म झरनों और लावा क्षेत्रों के साथ अपने नाटकीय परिदृश्य के लिए पूरी तरह से प्रसिद्ध है। यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें उच्च स्तर का मुक्त व्यापार और सरकारी हस्तक्षेप है। IMF के अनुसार आइसलैंड की अर्थव्यवस्था अपने पर्यटन उद्योग, निर्यात और निवेश के कारण फली फूली है। ऐसी भविष्यवाणियां हैं कि आइसलैंड की अर्थव्यवस्था अपने एल्यूमिनियम गलाने, मछली पकड़ने और पर्यटन उद्योग के आधार पर बढ़ती रहेगी। हमारे 8वें स्थान पे है सिंगापुर, जिसकी 64,103 जीडीपी पर कैपिटल है। 1965 में जब सिंगापुर को स्वतंत्रता मिली तो वह आज की समृद्धि के आसपास कहीं नहीं था। इसकी आधी आबादी प्राकृतिक संसाधनों के बिना निरक्षर थी, लेकिन कड़ी मेहनत और स्मार्ट नीति के साथ देश ने एक लंबा सफर तय किया है। अब यह एक संपन्न अर्थव्यवस्था है। सिंगापुर को अक्सर दक्षिण पूर्व एशिया का विनिर्माण और वित्तीय केंद्र कहा जाता है। भले ही सिंगापुर की अर्थव्यवस्था कोविड-19 के प्रकोप से प्रभावित है, फिर भी यह एशिया और दुनिया के शीर्ष सबसे अमीर देशों में से एक है। 9वें स्थान पे है ऑस्ट्रेलिया, जिसकी 62,723 जीडीपी पर कैपिटल है। ऑस्ट्रेलिया एक सेवा आधारित अर्थव्यवस्था है जो पिछले कुछ वर्षों में काफी सुचारू रूप से बढ़ रही है। अपनी अपेक्षाकृत कम आबादी और प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों के कारण ऑस्ट्रेलिया का जीवन स्तर बहुत अच्छा है। सरकार द्वारा हाल ही में किए गए सुधारों से देश को विकास के पथ पर और आगे ले जाने की उम्मीद है। 10वें स्थान पे है कतार, जिसकी 59,143 जीडीपी पर कैपिटल है। कतार के तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल भंडार बहुत बड़े हैं, वहीं इनकी आबादी बहुत कम है। इसका परिणाम देश के प्रति व्यक्ति महान सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों में होता है। कतार पिछले 20 वर्षों से दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। आपको कतार में अद्भुत बुनियादी ढांचा, अल्ट्रा मॉडर्न आर्किटेक्चर, लग्जरी शॉपिंग मॉल और बढ़िया समुद्र तट मिलेंगे। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।